वो अपनी ही गर्लफ्रेंड के पापा को नहीं मना पाते हैं. सो मीन वाइल वीर के जो बड़े भाई हैं, ही केम टू रेस्क्यू फॉर द लिटिल ब्रदर, बट उनका जो नेचर दिखाया गया वो थोड़ा सा एग्रेसिव है. बट उनके आने से प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, भसूड़ी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या होता है फाइनली, क्या वीर गीत के पापा को मनाने में कामयाब हो पाते हैं, शादी होती है कि नहीं, ये देखने के लिए यू हैव टू गो टू द थिएटर्स ऑन द 2nd of March. सो नाउ आई वॉन्ट टू प्लीज एक बार मूवी का ट्रेलर प्ले कर दिया जाए. So ladies and gentlemen, so now it's time to call upon stage the star cards of the movie. Let me call upon stage a very, very handsome actor of the movie, Pulkit Samrat, along with the very gorgeous actress of the movie, Kriti, Kharbanda. Welcome to the actor and actresses of the movie, and now let's go ahead. Hi everybody. Firstly, sorry to keep you guys waiting. Kya bada de? So let me start with it. So Pulkit, we call it the big wedding basuri of the year. We call this movie the big wedding basuri of the year. So like, basuri is very typical Delhi word. Right. So kya kehna chahenge aap is bare mein? Yes. ओके सॉरी, अभी ठीक है माइक? कौन बोला था? कोई तो बोला था. आप चुप हो गए सब. ओके, व्हाट्स अप? आई सॉरी टू कीप यू गाइस वेटिंग. या वी लाइक हैड द फ्लाइट एंड वी डायरेक्टली केम हियर, एंड देन इसी को भसूड़ी बोलते हैं बेसिकली. यही भसूड़ी होती है जिसमें क्योस होता है, क्योटिक को भसूड़ी कहा जाता है. दैट्स वाई द वेडिंग भसूड़ी ऑफ द ईयर. हियर ऑफ टू द खूबसूरत कृति. ओ, इनको साउथ में एक्चुअली बर्फी कृति कहा जाता है. Love that name. Why? Okay. Hi everyone. Thank you for coming. Sorry to keep you guys waiting. You all have been very patient with us today. हम लोग दिल्ली में अपनी मूवी वीरे की वेडिंग का प्रमोशन करने आए हैं, एंड आप सब ने टाइम निकाला और इधर आए, थैंक यू उसके लिए. और 2 मार्च को हमारी मूवी रिलीज़ हो रही है होली के त्यौहार पर, तो प्लीज़ प्रमोट करिए ताकि लोग आके मूवी देखें. और क्या बोलूँ? Amazing. Okay, so now I want to ask you one more thing. कि ये जो shooting हुई है पूरी Delhi में हुई है. So did you enjoy the shooting? Did you enjoy Delhi की गलियाँ and all? ये दिल्ली का लौंडा है, ये दिल्ली का लौंडा. नहीं नहीं, इनकी भी पैदाइश दिल्ली की है, इनकी पूरी फैमिली दिल्ली में है. ये हम लोग शूट कर रहे थे, इंडिया गेट में घूम रही थी. Seriously. नहीं मिली. कभी भी कृति को ढूंढना हो खाने के आसपास देखना चाहिए. हर जगह जहाँ खाना मिल जाए वहाँ मैं पहुँच जाती हूँ. मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया है थ्रू द एंटायर फिल्म के खाती है जाता कहाँ है, बट जेन्युइनली मुझे खाने का बहुत शौक है. सो आई थिंक व्हेन एवर आई शूट इन द नॉर्थ मुझे ऐसे लगता है कि हाँ ठीक है यार, खाना तो बहुत सही मिलेगा. तो यहाँ की वैसी दाल मखनी, बटर चिकन जो ढाबों पर मिलता है वो बहुत यम लगता है मुझे, और मोती नगर की कुल्फी. सर्दी कम हो गई है ना आज? हाँ जी, शिकंजी. शिकंजी नहीं पसंद? शिकंजी बहुत सही लगती है यार मुझे, बहुत अच्छी लगती है. कंचे वाला जो बंटा होता है बहुत यम. अरे कंचे वाला बंटा राजा गार्डन में ना, वो छोटी वाली दुकान. अच्छा पता है क्या, मेरा नाम मूवी में वीर अरोड़ा है ना, वो अरोड़ा लेमन बोलते हैं उसको. रियली? हाँ. नहीं बट जेन्युइनली दिल्ली में शूट करके कुछ ज्यादा ही मजा आया हमें. खड़े होके कर लेते हैं. या विल स्टैंड एंड टॉक. या दिस इज बेटर. आज मैं कंफर्टेबल हील्स पहन के आई हूं. खड़े होके कर सकते हैं. दिस बेटर, वी कैन टेक दिस ऑफ, नो प्रॉब्लम. ओके. हां जी बोलिए.
Hi, I'm Pooja from Total TV. Hi, Pooja. और आप दोनों से बात करके बिल्कुल लगा कि वाकई में दिल्ली वाले खड़े हैं आगे. अरे मैं पूरी की पूरी दिल्ली की हूँ, ये मानता नहीं है. कहता बस पैदाइशी इधर की है तेरी, ज्यादा दिल्ली दिल्ली मत कर. दिल्ली की लड़की ने पहचान पाया मतलब. नहीं, जैसे चटकारे मार मार के खाना खा रही थी तब मुझे रियलाइज हुआ तो दिल्ली वालों की तरह खा रही है. अरे मुझे खाने का जेन्युइनली बहुत शौक है. आलू चाट वो घी वाली होती है ना, मुझे बहुत यम लगती है. और वो क्या मिलते हैं, मोठ मिलते हैं ना, मुझे मोठ खाने का बड़ा शौक है. ओह माय गॉड, आई एम हंग्री. मुंबई में कैसे रहते हो यार? मुंबई में कैसे रहे? मैं बहुत अच्छी कुक हूँ तो मैं रह लेती हूँ. सो कमिंग बैक टू द मूवी, यस, आपका जो टाइटल है वो पहले ही बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है, वीरे की वेडिंग और वीरे दी वेडिंग, जो कि जून में रिलीज होने वाली है. सो डू यू थिंक वीरे दी वेडिंग से कहीं ना कहीं आपकी इस मूवी को और प्रमोशन मिलने में और ज़्यादा प्रमोट होने में हेल्प मिली है? आई डोंट नो, एक्चुअली द कंट्रोवर्सी वाज ऑलरेडी ऑन बिफोर वी इवन केम ऑन बोर्ड. And by the time we started shooting and midway through the shoot, it was almost solved, I suppose. Yeah, yeah, it was. Yeah, and more about, मुझे पता मैं वीरे की वेडिंग प्रमोट करने आई हूँ. आपको पता है इधर किसके लिए आई हैं? तो I think वो मैनेज हो जाएगा. Hi, Charu from Delhi 99. Hi, Charu. Hi, Charu. Title पे ही बात करते हैं. Why it's वीरे की वेडिंग? Why not गीत की वेडिंग? क्योंकि पुलकित से अटेंशन हैंडल नहीं होता जब मेरे पे आता है वो. Pulkit is like, no, enough. We can't handle more attention on the girl. Mere ko attention chahiye. Haan, kyunki humne trailer dekha and you are looking fabulous in that. Thank you. To us pe thoda sa Kriti pe bhi leya ja sakta tha. Don't you think so? Obviously, I suggested them. I told the entire team ki iska naam Geet ki wedding rakh dete hain. Arey haan, main mazaak kar rahi thi. Ye wo type ka nahi hai. Lekin isne actually suggest kar tha ki Geet ki wedding kar dete hain. Lekin I think Veerey sounds cooler. Once you also, you know, this is... वीरे एज द टाइटल. ओके वन सेकेंड, किसकी मम्मी का कॉल आ रहा है? ओके, वीरे एज द टाइटल, एज इन वीरे जो यूज किया गया है, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ थिंक, यू नो, इट्स वीरे की वेडिंग, एज इन वीर वीरे की वेडिंग, एंड ऑल्सो लाइक यू नो मे बी अ प्लूरल काइंड ऑफ अ थिंग. सो यू नो वंस यू, या सो यू वंस यू वॉच द फिल्म, यू विल गेट टू नो वेदर इट्स also only about this one brother Veer or it's also about both the brothers. Finally Jimmy Paji ko ladki milegi ki nahi milegi, that's also a big question. Yeah, unko kabhi milti nahi hai yaar. So that's also a really big question. Dekh unko real life mein mil gayi to theek hai, tere ko to real mein bhi nahi mili. Ko to real mein bhi nahi mili yaar, tabhi isko picturon mein milti hai. Hi guys, praise this side from 10 news. Hi. Well, you are both are coming after successive ventures. If I talk about your last movie, Pulkit 2 and Shaadi Mein Zaroor Aana. So is it added pressure on you or you are much more relaxed ki last movie hit ho gayi, ab thoda relaxed? I always maintain this that I do not carry forward my success or failure from my last Friday to another set or another film or another family that I join on to. Because if you carry forward your success, it seems like you're coming with ego. And if you carry forward your failures, it feels like you are confident nahi hai, aapke chehre pe dikhta hai. So I just leave that aside. Matlab, Friday, Saturday, Sunday, max Monday tak ho gaya, enjoy kar liya ya dukhi ho gaye thoda sa. That's it. After that, when I'm working on something new, it's totally fresh. You, Kriti? अरे हम लोग जो भी कर लें वो कुछ ना कुछ हो ही जाता है. अगर हम बोलें कि नहीं, आई डू कैरी फॉरवर्ड द स्ट्रेस और इट्स प्रेशराइजिंग, आई विल बी लाइंग बिकॉज इट्स नॉट. क्योंकि एज एक्टर्स हमने अपना जॉब कर दिया है. एज एक्टर्स हमारा काम होता है कि जो हम कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उसको इतना बिलीवेबल बनाएं कि जब ऑडियंस आके देखे तो उनको लगे कि हाँ ये सच में गीत है और ये सच में वीर है. तो अगर हम वहाँ पर चूक जाते हैं तो नर्वसनेस होती है. लेकिन मुझे पता है कि पुलकित और मैंने दोनों ने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी है. अब आगे देखें, क्योंकि यू नो ऑनेस्टली सब लोग जब मूवीज़ बनाते हैं मेहनत तो उतनी लगती है, कुछ चलती हैं कुछ नहीं चलती, लेकिन कोई ये इंटेंशन से नहीं बनाता है कि नहीं अब नहीं चलनी चाहिए. तो हमने पूरी मेहनत करी है. वी हैव नॉट कैरीड फॉरवर्ड एनी काइंड ऑफ बैगेज एंड वी हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट दैट हमें काम मिल रहा है. बहुत बड़ी बात है. तो आई थिंक इट्स गुड टू बी ग्रेटफुल एवरी डे एंड जस्ट टेक लाइफ फॉरवर्ड एज इज. बट द प्रॉब्लम इन बॉलीवुड इज राइट नाउ इज द यू जज अ एक्टर बाय हिज और हर सक्सेस. लाइक दैट्स द ऑडियंस, सो दैट कुड बी द आउटसाइड इंडस्ट्री. But I can also give you lots of names where people have not had successful movies, but they've been recognized as actors and they've managed to get work in the future. So I don't think it has give everything names. To do. No, I'm not giving names. Give? I am not giving names. You said I can. अच्छा मुझे names. ही ले लो. मेरी राज नहीं चली थी, गेस्ट इन लैंड नहीं चली थी, but I managed to get other films. So I'm very proud of myself. Okay, great. Thank you, guys. Thank you. Hi. I'm from Pioneer Newspaper. आएगा तुम्हारे पास, इसके बाद छीन लेना. पहले से ट्राई कर रहा है बेचारा. ऐसे ले रहा है बस. माय या
apart from the controversy that is related to the title, there's one more controversy that has came into limelight. Kaunsi? Recent. It's one of the songs. Kaunsi, Kaunsi. It's one of the songs that is being used in the movie, Hat Ja Tau, which is originally sung by Vikas Kumar. So okay. Now he has, you know, he's asked for a you know, money as well you as know, Hajja, you know, Hajja asking for an apology. I'll so tell you, Hat Ja Tau. Firstly, yeah. We were not even aware of this at all. And secondly, whatever notice has been sent, it has not sent to any of us. As in, it has not reached the team at all. So we have no responsibility, or we are not liable to respond to it as well. But just to clear the air on this. Karan udhar baith ke bol raha hai, sorted hai, sorted hai. Tension. According to you, what so, decision you could? No. The point is that Hat Ja Tau is a folk number. Okay, so a folk number like. There are so many qawwalis that a lot of singers sing from generations to generations to generations. It does not belong to a certain singer, right? It's a folk song. So when a folk song is recreated, it's a recreation. It's like my song Ambar Sariya. It was a folk song, so nobody can have a copyright over that. It's as simple as that. So what do you think the final decision? What do you think about it? भाई अपना गाना तो चल गया 10 मिलियन व्यूज हो गए हम लोग बहुत खुश हैं सूट जो सूट बूट में बैठे हैं वो डिसाइड करेंगे सूट बूट में आया कन्हैया करण गुंबर थैंक यू सो मच थैंक यू सो फाइनली यप इनको एक बार पूछ ले दो प्लीज या दैट्स फाइनली आई नीड टू या सो आई एम फ्रॉम M24 न्यूज एंड माय क्वेश्चन व्हिच आई डिडंट गेट योर नेम आई एम सॉरी आई एम परिष्कृत Parishkrit. Yep, that's about it. So my question is ki yeah, there has been a controversy ki Veerey ki wedding and Veerey di wedding. But I would say that in this world where there is so less chance ki do films ka naam ekdam same ho sakta. I mean, yeah, the plot and the story is completely different. So my question is ki was there any link pehle kabhi jiski wajah se naam is almost the same? And yes, you have the copyright to it. You took the copyright to it. Nahin, yeah, see, whatever was the problem that has been sorted already. Yeah. And through the legal matter as well, it went through up and down and up and down. And now it's flat. So gaye hain sab. Ab ye release pe aa gayi hai 3 mahine baad wo release ho jayegi. We are looking forward to that film as well. We've seen the poster. Of course. You all are looking stunning. It's a fabulous cast. We are a small film with a big heart, and we just want to be that. Okay, I'll take that. Thank you. आपको और कुछ पूछना है? दोबारा माइक नहीं मिलेगा आपको? हेलो, एक बस, एक लास्ट. सर ये एक मिनट. जी जी जी. सर ये कंट्रोवर्सी आपको अच्छी लग रही है? कंट्रोवर्सी. भाई पद्मावत सुपर सक्सेस हो गए. जी. तो क्या कंट्रोवर्सी? आपके मुंह में घी शक्कर. धन्यवाद. सिंगला फ्रॉम एटन न्यूज़. अच्छी लगी कंट्रोवर्सी.